बता दूंगी थोड़ी देर में कि आज तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। बहुत ही अच्छी बात करनी है और बहुत ही अच्छा सरप्राइज देना है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया। अच्छा, कब बताएगी यार, ये भी बता दे। पता चल जाएगा तुम्हें, वो आती ही होगी। कब आएगी यार, कितना टाइम लगेगा? पार्टी देने वाली है क्या आज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी मिस, मेरा फोन दीजिए। फोन? कौन सा फोन? कौन सा फोन क्या, जो तुमने चोरी किया है? चोरी? क्या दिमाग में खराब हो गया? हेलो, तुम चुप रहो ठीक है ना, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ। ये पता नहीं कौन है, इसने मेरा फोन चोरी कर रखा है, समझ में आ रही है? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? ये हमारी फ्रेंड है ठीक है ना, और कब से हम यहाँ खड़े हुए हैं और खामोखा तुम इल्जाम लगाए जा रही हो। तुम सारे के सारे चोर हो, इट मींस है ना? उसके पास फोन है, वो चोरी क्यों करेगी? एक्सक्यूज मी, आप लोग ना अपना ज्ञान मत दो, मुझे पता है तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, राइट? अरे मैम सुन तो लो, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो, हम आपको ये थोड़ी कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हो, बस आपको गलतफहमी हुई होगी कि आप हमारी फ्रेंड को चोर बोल रहे हो सकता है इनके जैसे कोई और हो जिसने आपका फोन लिया हो। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने आपके जैसा कोई देखा था चोर, तो आप मान लोगे? अरे मैम आप क्या बोलने जा रहे हो, ये सारे मेरे दोस्त हैं और मैं यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ, किसी का वेट कर रही हूँ, आप आए बिन बुलाए मेहमान की तरह, दो मेरा फोन दो, चोरी कर रखा, ये क्या बात है? चुप रहो तुम ठीक है, तमीज में रहो, मैं बहुत तमीज में बात कर रही हूँ तुम सबसे, और मुझे लग रहा है ना मुझे देखकर तुम यहाँ पे मेरा फायदा उठाना चाहते हो। ये फोन मेरा है, चुपचाप से मुझे दे दो वरना मैं कंप्लेन कर दूंगी ठीक है ना? आपको कंप्लेन करनी हो चाहे जो मर्जी करना जाके कर सकती है, ये फोन इसका है। अच्छा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये फोन इसी का है? आपके पास क्या प्रूफ है कि ये फोन आपका है? ऑफ कोर्स प्रूफ है, देखो इस पे वॉलपेपर में मेरी फोटो लगी होगी। अरे यार इसे वॉलपेपर दिखा। अरे मजाक कर रही, मेरा फोन है यार। अरे वो तो हमें नहीं पता ना, इसकी गलतफहमी को दूर कर दो। देख लिया कि ये मैं ही हूँ ना? रूबी मतलब तू चोर है, हमें पागल बना रही थी इतनी देर से। तुम चुप रहो ठीक है, तुम सबके सब मिले हुए हो, यहाँ पे मुझे फंसाने की कोशिश। ओ हेलो, हम कोई मिले ले नहीं है, आप ये हमारी दोस्त है, पर हमको क्या पता था ये फोन भी चोरी करने लगी, और तूने ये कब काम चालू कर दिया? तू तो यार इतनी पढ़ी लिखी, इतनी होशियार थी, हमसे ज्यादा अच्छे पढ़ने में है तू, और उसके बाद भी तू चोरी चालू कर दी तूने। देख लो कितना महंगा फोन है, इसे खरीदते खरीदते ना तुम्हारा पूरा खानदान बिक जाएगा, तब भी नहीं खरीद पाओगी, और इसे चोरी करना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। अरे मैम आपका फोन इन्होंने चुराया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, और रूबी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे हम तुम पे कितना भरोसा कर रहे थे, ऊपर से हम इनको गलत बोल रहे थे, हमें लगा कि शायद इनको गलत फहमी हुई है। अरे बस करो, मुझे अच्छे से पता है तुम भी ना इसी के साथ ही हो, अभी यहाँ पे अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो और लास्ट में मुझे धोखा देके चले जाओगे है ना? ओ मैम कैसी बातें कर रहे हो आप, एक तो मैं आपके लिए इनसे लड़ रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे को बोले जा रहे हो। अरे बस करो यार, मैं बोल रही हूँ मियां, तुम करो ठीक है ना? तुम्हारी दोस्त चोर है, अगर तुम भी इसके साथ चोरी करती हो ना तो एक तमाचा मैं तुम्हें भी पीटूंगी, समझ में आ रही है? अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ बोल भी नहीं सकोगे। तुम कुछ बोल भी नहीं सकती और तुम सब भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि ये फोन मेरा है ठीक है। अरे मैम ये आपका ही फोन है, हमने मान लिया, बट आप थोड़ा काम हो जाइए, हमें अपनी फ्रेंड को तो बोलने दीजिए कि उसने ऐसी हरकतें क्यों करी, उससे तो पूछने दीजिए मैम। उससे बात तो कर ले हम। क्या बात करोगे, एक चोर से कोई क्या ही बात करेगा है ना? मेरा विश्वास करो अक्की, अकाउंट तू बस कर, तेरी वजह से हमें ये सब सुनना पड़ रहा है, इतनी उसकी बदतमीजी झेलनी पड़ रही है, सब तेरी वजह से, तूने चोरी ना किया होता तो हमें सुनना नहीं पड़ता, समझ गई तू? अरे ट्रस्ट मी, मैंने कोई फोन नहीं चुराया, ये फोन मेरा है। मैंने कोई फोन नहीं चुराया, ये ना किसी और के सामने गाना ठीक है ना, अभी तो मैं इसके साथ साथ तुम सबकी कंप्लेंट डालूंगी पुलिस में। मुझे नहीं पता तेरी वजह से हम भी फंस जाएंगे। नहीं 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 मुझे नहीं पता। अरे माना कि गरीब थी, फोन चोरी करने की क्या जरूरत थी, हमें बोल देती, हम पैसे मिला के लेके दे देते, फोन क्यों चोरी किया उसका? आकाश मुझे नहीं पता ये वॉलपेपर कैसे इसका आया मेरे फोन में, लेकिन सच में मैंने नहीं। बहन जी मैं तो मैजिशियन हूँ, पता है तुमको, मैं मैजिशियन हूँ और कुछ भी कर लेती हूँ, जादू से ये पेड़ भी गायब कर लूंगी, दो मिनट में तुझे भी गायब कर लूंगी, और पता है गायब करके ना तुझे पुलिस स्टेशन के चक्की पिसवाऊंगी अब तो ठीक है ना? यार भी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बेइज्जती हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक छोटी। ओ हेलो तुम चुप करो लंबे बाल वाले झाड़ी वाले इंसान, मुझे अच्छे से पता है जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। बस करो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एक शब्द मैं और नहीं सुनूंगी, ना तो मैंने ये फोन चुराया और ना तुम्हारा ये फोन, ये फोन मेरा है मेरा, समझी तुम? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रही हो,
शर्म नहीं आती? इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? हेलो बस करो, ये हमारी फ्रेंड है, ठीक है ना? फ्रेंड है तुम्हारी ना, चोरी फ्रेंड हो सकती है, तुम भी इसकी तरह चोर होगे। अरे मैम क्या हो गया, मैं काफी देर से देख रही हूँ, लड़ाई झगड़ा तमाशा किस चीज का चल रहा है? अरे मैम कुछ नहीं, बस आज मेरा फोन चोरी होते होते बच गया, वो तो मैंने देख लिया कि इस शरीफ से दिखने वाली सफेद कपड़ों में चोरी कर रही है, और ये इसके दोस्त घटिया, इनकी शक्लों पे मत जाना, ये बहुत शातिर है। मैंने नहीं चुराया, ये फोन मेरा है, इसका नहीं है। अच्छा, मैं तुम जैसे को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैम ये आपका फोन है? सीरियसली? ऑफ कोर्स यार, ये मेरा ही फोन है। एक सेकंड मुझे दिखाएंगे आप? ये देखिए आपका फोन है ये? हाँ जी। तो इस पे कॉल करिए। कॉल कैसे करूंगी, मेरे पास तो कोई फोन ही नहीं। हाँ हाँ, आप ना अपना फोन इन्हें दीजिए। हाँ, नंबर बताइए ना। हाँ, नंबर बताओ। ये ना न्यू फोन लिया मैंने, न्यू सिम लिया है, तो अभी रिसेंटली फोन लिया है, तो मेरे पास कैसे नंबर होगा? जो भी तू नंबर बता अपना। ओके, मेरे फोन में फोन करो, मेरे तो फोन में फोन करो। कितनी आसानी से कर रही है, इधर लाओ मेरा फोन। एक मिनट, जल्दी किस बात की है, अभी पता चल जाएगा ना। मुझसे माइंड गेम खेलने की बीट नहीं है। क्या किसका कॉल है ये, किसका फोन है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तुम अपने मुंह से सच बताओगी कि मेरे फोन में तुम्हारा वॉलपेपर कैसे आया और तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता? ये बेशरम क्या बताएगी, ये सब मैं बताती हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, जब आप अपना फोन पीछे करके खड़ी थी, आके किस तरह से इस लड़की ने। अच्छा अब मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं जैसे तुमने मेरी फ्रेंड को मारा, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बेइज्जती करूं मैं? अच्छी खासी दिखती हो, पढ़ी लिखी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम ये सारी हरकतें करती हो। अब बस कीजिए, ये आपकी फ्रेंड है तो आपको अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि उस पे इस तरह से शक करना चाहिए था। अरे मैम हमने उस पे वॉलपेपर देखा इसका, तो हमें भी अपनी फ्रेंड पे डाउट हुआ, पहले तो हम अपनी फ्रेंड का ही सपोर्ट कर रहे थे। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना हमारी फ्रेंडशिप खराब हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ना, आंखों देखा भी सच नहीं होता। ये लीजिए फोन। थैंक यू सो मच मैम। आप भी लापरवाही मत कीजिए, सबसे ज्यादा गलती आपकी है। तुम बताओ तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता? वो जब तुम उस ठेले के पास QR से पेमेंट कर रही थी तो मैंने आपका पासवर्ड देख लिया था। पागल पागल है क्या, किसी के सामने भी तू अपना पासवर्ड डालती है? मुझे क्या पता कि राह चलते लोग फोन में नजर मारते और पासवर्ड देखते, हमारे सामने भी कितने लोग फोन चलाते हैं, मेट्रो में, गाड़ी में, बस में। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक का भी सिस्टम दे दिया था। देखो तुम लोग बातें करो, मेरा इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं जा रही हूँ। भाई कितनी जल्दी क्या, अभी तो पुलिस बुला रही थी ना, पुलिस को तो मैं बुलाती हूँ। पुलिस को मैंने पहले ही बुला दिया। ठीक है तुम मेरे साथ, जब जेल में पूरी टाइम चक्की पीसेगी ना तब पता चलेगा भरी जवानी जेल में बैठ के पीसी हो। चलो रूबी। सॉरी रूबी, हमने तेरे साथ गलत किया, हमें समझना चाहिए था, लेकिन हम भी एक आम ह्यूमन की तरह न्यूट्रल सोच रहे थे कि अगर हम सिर्फ तेरे बारे में सोचते तो ये भी होता ना, अगर सही में तेरे पास उसका फोन होता तो उसके साथ गलत हो जाता, बाकी इंटेंशन कोई नहीं थी हमारी कि तुझे ऐसा। मैं तुम लोगों को गलत नहीं कह रही, ऑब्वियसली तुम लोगों ने जो चीज़ देखी उसी को सच मान लिया, ये नहीं सोचा कि मैं क्यों चुराऊंगी। यार मैं स्कूल में पढ़ने में तेज थी, और तुम्हें पता है अभी मैंने UPSC का एग्जाम दिया और क्या मेरा रिजल्ट आ गया, आज मैं उसी की खुशी में तुम लोगों को पार्टी देने वाली थी और मेरे पापा आने वाले थे, अभी तक वो आए नहीं और ये सारा इंसिडेंस हो गया। चलो अब घर चलते हैं। घर नहीं, पार्टी। अब देगी पार्टी। चल चल।